माफियाओं के हौसले बुलंद, खनन माफिया देते हैं धमकियां, आखिर क्यों नहीं होते इन खनन माफियाओं पर कार्यवाही? ग्राम प्रधान भी हो रहा है धमकियों का शिकार। पुलिस की मिली भगत से हो रहा है 25 फीट गहरा धड़ल्ले से खनन, थाने में शिकायत पहुंचने के बाद भी नहीं होती खनन माफियाओं पर कार्यवाही। इंस्पेक्टर खनन माफियाओं के बारे में जानकारी लेने पर पत्रकार को भी मिलती है धमकी, मौके पर पहुंचे लेखपाल फिर भी नहीं हुई कार्यवाही। जनपद संभल थाना हयात नगर के गांव बसला की मडेया में धड़ल्ले से हो रहा है ग्राम समाज की जगह पर अवैध खनन, सरकार को लगा रहे हैं लाखों का चूना। जब खनन की शिकायत ग्राम प्रधान ने लिखित में थाना हयात नगर पुलिस को दी, फिर भी नहीं हुई खनन माफियाओं पर कार्यवाही। उसके बाद ग्राम प्रधान को खनन माफिया उसके घर आकर जान से मारने की धमकी देते हैं। देखने वाली बात यह है कि जिस ग्राम प्रधान पर गांव की जिम्मेदारी है, अगर वह गलत काम रोकने के लिए पुलिस के पास शिकायत करने जाता है तो उसके लिए भी धमकियां मिलती हैं। फिर पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं करती? इससे भी साफ जाहिर होता है कि पुलिस भी इसमें मिली हुई है। जब मीडिया कर्मी थाना हयात नगर इंस्पेक्टर के पास खनन माफिया के बारे में कुछ जानकारी लेने जाते हैं तो जनाब इंस्पेक्टर सबसे पहले मीडिया कर्मी का मोबाइल अपने पास रख लेते हैं, फिर मीडिया कर्मी को धमकी भरे अंदाज में फटकार लगाते हैं और जनाब कहते हैं कि खनन माफियाओं से तुम्हारे लिए मरवा दूंगा। कितनी शर्म की बात है कि सच्चाई को उजागर करने वालों को भी पुलिस धमकी देती है। ये एक योगी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि योगी सरकार में ऐसे खनन माफियाओं व पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। गाँव आपको ग्राम बसले के मणि है, ग्राम पंचायत बसले से प्रधान है। अच्छा, ये जो खनन हो रहा है यहाँ पे ग्राम पंचायत उसमें जगह में, ग्राम सभा जगह में, तो क्यों हो रहा है खनन? ये खनन पर बात ये है कि कुछ गाँव के लोग पहले मिट्टी निकालते थे, थोड़ी थोड़ी, अब इस समय कुछ गाँव का एक इंदल सिंह है वो गाँव में ले जाकर मिट्टी है ग्राम सभा से बेचते हैं। इसमें मैंने लेखपाल को भी खबर करी, उसके बावजूद भी कोई यहाँ कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे ये 25 फुट गहरा खनन हो रहा है जी, ये बहुत गलत काम गलत हो रहा है ना, तो अब क्या चाहते हैं उसमें? हम चाहते हैं ये कार्रवाई बिल्कुल रोकी जाए इसी समय, और जो मतलब ये हुआ है इसका हर्जाना देना पड़े उन्हें। तो आप कहीं जैसे एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब के पास गए थे क्या? हाँ, एसडीएम गया, मैंने पुलिस को भी तहरीर दी थी, लेकिन तो जब ये पता चला कि लेखपाल साहब यहाँ पर आए, उन्होंने मौजूद में पकड़ा, तो वो जो इंदल सिंह है गांव के, उन्होंने खुद जाकर मेरे घर पर चढ़ाई करी और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। तो अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं सर, इसमें कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई और ये काम भी रुके, ग्राम सभा का कार्य है ये भी रुके यार, हमारे कोई भी खर्चा नहीं चाहिए, वो कार्य हो रहा है ये बिल्कुल रुक जाना चाहिए, तो काम है और अच्छा कार्य है, ये गलत बिल्कुल कार्य हो रहा है, ये सब रोक होनी चाहिए इस काम से। मैं ये चाहता हूँ और अच्छी तरीके से इसकी जाँच होनी चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं? बसले की मड़ियों के। अच्छा, ये जो आपके जो खनन के गड्ढे हो रहे हैं, ग्राम समाज का तालाब है ये, और ये इतनी भारी मात्रा में खनन हुआ, तो इसका क्या मामला? इसका मामला ये, हमने तो ये कही कि अपनी ग्राम सभा के ताई का काम हो रहा है, वहाँ जाता रहे, बाहर को ना जाए माल कहेंगे। तो ये कौन खनन माफिया जो इतना बड़ा तालाब बना कोई सर खोद के? ये तो इंदल है गाँव के। इसकी आपने शिकायत वगैरह नहीं की? शिकायत करी 8 तारीख में, एप्लीकेशन लिख कर देकर आए थाने। अच्छा, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसमें लेखपाल साहब इनकी पराता वगैरह ले जाते हुए दिख रहे हैं। मैं जूता पकड़े गए हैं। तो इन पर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई अभी तक? ना, अभी कोई कार्रवाई। जैसे ये ग्राम सभा में 25 फुट गहरा खनन हो रहा है, तो इस पर क्या कहें, कुछ क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने हम तो तहरीर दिया है, वहाँ लिख कर रही है, वो नेपाल ले गए ना पराते, मैं जूता पकड़े गए। अच्छा, तो अभी नेपाल साहब ने कुछ ना करा? अच्छा, तो क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं गलत काम रुके।